You're late. स्टोरी की डिटेल्स में जाने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज का बिफोर यू वॉच वाला वीडियो देख लिया है तो नीचे चैप्टर्स देखकर सीधा रीकैप तक स्किप कर लेना, बाकी सारे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओबी-वैन एक फोर्स सेंसिटिव ह्यूमन थे जिन्होंने बाद में जेडाई ऑर्डर को ज्वाइन करके अपनी जेडाई ट्रेनिंग शुरू कर दी। फोर्स एक टाइप की एनर्जी फील्ड है जो फोर्स सेंसिटिव लोग यानी जेडाइज और सिथ्स को उनकी पावर देती है। कहा जाता है कि फोर्स का वजूद ब्रह्मांड में रहने वाले सारे जिंदा चीजों की वजह से हुआ है और ये फोर्स ही है जो सारे गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखती है। इसलिए ये लोग बार बार मे द फोर्स बी विद यू बोलते हैं, क्योंकि इनकी रियलिटी में गॉड वगैरह नहीं होते, सिर्फ फोर्स है। जेडाइज लाइट साइड ऑफ द फोर्स को यूज करते हैं और सिथ्स डार्क साइड ऑफ द फोर्स को। आगे चल के यंग ओबी-वैन जेडाई मास्टर क्वाई-गॉन जिन का अप्रेंटिस या पैडवन बना, केनोबी जिन साथ मिलकर बहुत सारे एडवेंचर्स पर गए थे। ऐसे एक मिशन के दौरान इन दोनों का सामना सिथ लॉर्ड डार्थ मॉ से हुआ। प्लैनेट नाबू पर चली इस लड़ाई में डार्थ मॉ ने ओबी-वैन की आंखों के सामने उसके मास्टर को मार दिया, बट फिर अंत में ओबी-वैन ने डार्थ मॉ के दो टुकड़े करके उसे हरा दिया। केनोबी के इस कारनामे के बाद उसे एक जेडाई नाइट का ओहदा मिला। अपने मास्टर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने ओबी-वैन ने एनेकिन स्काईवॉकर को अपना पदवान बना लिया। क्वाई-गॉन जिन का मानना था कि एनेकिन स्काईवॉकर इज द चोजन वन जो फोर्स में बैलेंस लाएगा। सालों तक एनेकिन को ट्रेन करने के बाद उनके बीच का रिलेशन मास्टर और अप्रेंटिस से बढ़कर अब दोस्त और भाई की तरह हो गया था। ओबी-वैन जानता था कि एनेकिन के अंदर एरोगेंस और इनसिक्योरिटी कूट कूट कर भरी है। ये दो चीजें किसी भी जेडाई के लिए ठीक नहीं, इनसे डार्क साइड ऑफ द फोर्स का खिंचाव बढ़ जाता है। बट अपने मास्टर की तरह ही ओबी-वैन को भी पूरा भरोसा है कि एनेकिन इज द चोजन वन, इसीलिए ओबी-वैन एनेकिन की तकदीर को लेकर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। फैट में अमिडाला पर हुए जानलेवा हमले की छानबीन करते वक्त ओबी-वैन की मुलाकात बाउंटी हंटर जैंगो फेट से हुई। जैंगो फेट मतलब बोबा फेट के पापा। जैंगो फेट का पीछा करते हुए ओबी-वैन कमीनो पहुंचा, जहां उसे क्लोन आर्मी के बारे में पता चला। इस क्लोन फैसिलिटी में काम करने वाले कमीनोन्स का मानना था कि इन्हें क्लोन आर्मी का ऑर्डर गैलेक्टिक रिपब्लिक से मिला है, बट सरप्राइजिंगली ओबी-वैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इन क्लोन्स को बनाने के लिए कमीनोन्स ने जैंगो फेट का डीएनए यूज किया ताकि सारे के सारे क्लोन्स बैड एज फाइटर्स बन सके। बोबा फेट भी इन्हीं क्लोन्स में से एक था, बट जैंगो ने उसे क्लोन प्रोग्राम से निकालकर अपना बेटा बना लिया। जैंगो फेट से मिलते ही ओबी-वैन समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। जैंगो और बोबा किसी तरह अपने स्लेव वन में बैठकर कमीनो से भाग निकले, बट समय रहते ओबी-वैन ने उनकी शिप पर अपना ट्रैकिंग बीकन लगा दिया था। स्लेव वन का पीछा करते हुए ओबी-वैन प्लैनेट जियोनेसिस पहुंचे, जहां उसे पता चला कि उनका फॉर्मर जेडाई काउंट डूकू अब सेपरेटिस्ट अलायंस का हिस्सा बन गया। केनोबी ने इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचा तो दी, बट तभी उसे सेपरेटिस्ट अलायंस ने पकड़ लिया। यहीं पर काउंट डूकू ने इसे सिथ लॉर्ड डार्थ सिडियस के बारे में बताया था। ओबी-वैन को छुड़ाने के चक्कर में एनेकिन और पैडमे भी सेपरेटिस्ट के हाथों पकड़े जाते हैं, बट तभी मेस विंडो की जेडाई आर्मी और मास्टर योडा की लाई क्लोन आर्मी सेपरेटिस्ट ड्रॉइड को हरा देती है। फिर ओबी-वैन और एनेकिन जाकर डूकू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ काउंट डूकू इन दोनों को हराकर एनेकिन का हाथ काट देता है। मास्टर योडा के वहां आते ही डूकू जुगाड़ लगाकर उधर से भाग जाता है। सेपरेटिस्ट अलायंस के साथ जेनेसिस पर चली इस लड़ाई के बाद ओबी-वैन ग्रैंड आर्मी ऑफ रिपब्लिक का जनरल बन गया। सेपरेटिस्ट अलायंस या कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स एक ऐसा ग्रुप था जो गैलेक्टिक रिपब्लिक से हटकर सेपरेट होकर अपनी अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये सारे गैलेक्टिक रिपब्लिक में चले करप्शन और उनके एक्सेसिव टैक्स सिस्टम से तंग आ चुके थे। इस सेपरेटिस्ट अलायंस के लीडर थे एक्स जेडाई काउंट डूकू। गैलेक्टिक रिपब्लिक और सेपरेटिस्ट अलायंस के बीच चली इस लड़ाई को बैटल ऑफ जेनेसिस का नाम दिया गया और यहीं से क्लोन वॉर्स की शुरुआत हुई। जेडाई जनरल बनने के बाद ओबी-वैन ने रिपब्लिक आर्मी के साथ मिलकर काफी लड़ाइयां जीती। इन सारे एडवेंचर्स को हम द क्लोन वॉर सीरीज में देख सकते हैं। इसी दौरान एनेकिन स्काईवॉकर ने भी अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली और वो अब एक जेडाई नाइट बन गया। आगे चल के एनेकिन को असोका टानो नाम में एक पैडवन मिली। अगेन क्लोन वॉर्स लिमिटेड सीरीज में हम ये सब देख चुके हैं। इन इवेंट्स के दौरान ओबी-वैन केनोबी प्लैनेट मैंडलोर भी गया था अपनी पुरानी प्रेमिका डच सतीन से मिलकर सेपरेटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल करने। यहीं उसका सामना डेथ वॉच और डार्क सेबर से हुआ था। क्लोन वॉर्स के मोर्टिस वाले आर्क के बाद मैंडलोर पर चला हरेक इवेंट मेरा फेवरेट है। ओबी-वैन के हाथों दो टुकड़ों में बटने के बावजूद भी डार्थ मॉ किसी तरह जिंदा बच गया। डार्थ मॉ ने फिर डेथ वॉच के लीडर को हराकर उससे डार्क सेबर छीन ली और खुद मैंडलोर का लीडर बन गया। यहीं पर ओबी-वैन से बदला लेने डार्थ मॉ ने उसकी आंखों के सामने डच सतीन को मार डाला। डार्थ मॉ के बाद ओबी-वैन का दूसरा आर्च एनिमी था सुप्रीम कमांडर ऑफ द ड्रॉइड आर्मी जनरल ग्रीवियस। ग्रीवियस फोर्स सेंसिटिव ना होने के बावजूद भी निहायत ही स्किल्ड लाइट सेबर फाइटर था। ये जेडाई ऑर्डर को अपना कट्टर दुश्मन मानता था और अपने रास्ते में आने वाले जेडाइज को मारकर उनके लाइट सेबर ट्रॉफी के तौर पर रख लेता था। तो इस तरह से उसने लाइट सेबर हासिल किए दूसरे जेडाइज को मारकर।
काउंडुगो की लीडरशिप के अंदर ग्रीवियस ने कोरोजांड पर हमला करके सुप्रीम चांसलर श्यू पल्पिटीन को बंदी बना लिया। बर्जेटाइज ने उसे इनकी कैद से छुड़वा लिया और काउंडुगो की मौत के बाद ग्रीवियस को जबरदस्ती अंडरग्राउंड होना पड़ा। फाइनली जनरल ग्रीवियस और जनरल केनोबी एक दूसरे के सामने आ गए। हेलो देयर जनरल केनोबी। यहां ओबी-वैन ने अपने स्किल्स और फोर्स की मदद से ग्रीवियस को उसी के ब्लास्टर से मार दिया और इसी के साथ क्लोन वॉर्स को खत्म कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त शिव पल्पतीन एके डार्थ सिडियस ने ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके चलते सारे क्लोन ट्रूपर्स जेडाइस के खिलाफ हो गए। अपने ट्रूपर्स के हाथों जेडाइस का मास मर्डर। केनोबी का बुरा टाइम तो बस अब शुरू हुआ है, क्योंकि जल्दी उसे पता चलने वाला है कि डार्थ सिडियस के झांसे में आकर एनेकिन स्काईवॉकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स का हिस्सा बन गया, डार्थ वेडर। प्लैनेट मुस्तफार पर डार्थ वेडर के साथ चली लड़ाई के दौरान ओबी-वैन कूदकर हाई ग्राउंड पर पहुंच गया। एक बार इसे हाई ग्राउंड मिल गया तो भाई इसके सामने कोई नहीं जीत सकता। ओबी-वैन के मना करने के बावजूद भी डार्थ वेडर ने इस पर हमला किया। फिर हाई ग्राउंड का फायदा उठाकर ओबी-वैन ने डार्थ वेडर के बचे कुचे हाथ पैर भी काट दिए और उसे लावा के पास मरने के लिए छोड़ दिया। ओबी-वैन के वहां से जाने के बाद डार्थ सिडियस ने वेडर की बॉडी को फुल साइबरनेटिक अपग्रेड दिया। एनेकिन स्काईवॉकर के डार्क साइड में जाते ही पैडमैन ने भी अपना दम तोड़ दिया, बट मरने से पहले पैडमैन ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेया एंड लूक स्काईवॉकर। इन दोनों बच्चों को पैदा होते ही अलग अलग सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। लेया को प्लैनेट एलरान की रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और लूक अपने रिलेटिव्स के साथ रहने प्लैनेट टैटूइन चला गया। दोनों बच्चों को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके पापा डार्थ वेडर हैं। ओबी-वैन सीक्रेटली टैटूइन पर छुपकर लूक स्काईवॉकर पर बचपन से नजर रखे हुए था। इसी एग्जाइल पीरियड के दौरान ओबी-वैन ने अपना नाम बेन केनोबी रख लिया। ओबी-वैन केनोबी सीरीज के रीसेंट ट्रेलर में हमने देखा कि इंक्विजिटर्स बाकी भागे हुए जेडाइस की तरह केनोबी के भी पीछे पड़े थे। इंक्विजिटर्स की डिटेल में जाने से पहले एक बार फिर से ऑर्डर 66 के बारे में जान लेते हैं। द गैलेक्टिक रिपब्लिक के सुप्रीम चांसलर श्यू पल्पिटीन ने सीक्रेटली क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में इनहिबिटर चिप्स प्लांट किए थे। क्लोन वॉर्स के दौरान ये सारे क्लोन ट्रूपर्स जेडाइस के साथ मिलकर लड़ा करते थे। क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में लगे वो चिप्स इस तरह से प्रोग्राम थे कि उनके एक्टिवेट होते ही क्लोन ट्रूपर्स सारे जेडाइस को गैलेक्टिक रिपब्लिक का दुश्मन मानने लग जाएंगे। एक बार श्यू पल्पिटीन ने एग्जीक्यूट ऑर्डर 66 बोल दिया तो फिर क्लोन ट्रूपर्स अपने साथी जेडाइस को मारने लग जाएंगे। क्लोन वॉर्स के आखिरी पीरियड में चांसलर पल्पिटीन की असली आइडेंटिटी सबके सामने आ गई कि वो डार्क साइड ऑफ द फोर्स को फॉलो करने वाला सिथ लॉर्ड डार्थ सिडियस है। डार्थ सिडियस ने एनेकिन स्काईवॉकर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया, डार्थ वेडर। फिर ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट करके बचे कुचे जेडाइस का सफाया शुरू कर दिया। क्लोन ट्रूपर्स और सिथ द्वारा जेडाइस के इस मास मर्डर को द ग्रेट जेडाई पर्ज का नाम मिला। लेकिन डार्थ सिडियस को पता था कि इस जेडाई पर्ज में सारे जेडाइस नहीं मरने वाले। कुछ जेडाई समय रहते इस हमले से बचने में कामयाब हो गए और अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर अंडरग्राउंड हो गए। ओबी-वैन केनोबी शो की मेन स्टोरी यही तो है, द ग्रेट जेडाई पर्ज की बाद वाली कहानी। डार्थ सिडियस अच्छे से जानता था कि सिर्फ इन बचे हुए जेडाइस को ढूंढकर मारने से काम नहीं होने वाला। अगर वाकई में जेडाई ऑर्डर का फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन निकालना है तो इसे फोर्स सेंसिटिव बच्चों को ढूंढकर उन्हें भी कन्वर्ट करना होगा। इस काम में टाइम लगेगा और उसे स्पेशल मदद की जरूरत भी पड़ेगी। तो बस इसी स्पेशल मिशन को अंजाम देने डार्थ सिडियस और डार्थ वेडर ने इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इंक्विजिटर्स का बस एक ही मकसद था, गैलेक्सी में छुपे हुए जेडाइस को चुन चुन कर मारना और फोर्स सेंसिटिव बच्चों को डार्क साइड की ओर ढकेलना। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम के सारे मेंबर्स कभी ना कभी खुद भी जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे, या तो ये जेडाई थे या किसी जेडाई के पैडवन। डार्थ सिडियस ने खास ऐसे कैंडिडेट चुने थे जिनकी डार्क और ट्रेजिक बैक स्टोरी थी, एनेकिन स्काईवॉकर की तरह। तो शायद डार्थ सिडियस ने इंक्विजिटोरियस के मेन कैंडिडेट्स ऑर्डर 66 के पहले ही चुन लिए होंगे। ना ही इंक्विजिटर्स जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे और ना ही सिथ ऑर्डर का। हाँ, ये सिथ ऑर्डर को रिपोर्ट जरूर करते थे, बट उनकी अपनी अलग ही टीम थी। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही उनकी पुरानी आइडेंटिटी मिटा दी जाती थी। ये प्रोग्राम इतना सीक्रेट था कि किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली इस टीम में कितने मेंबर्स थे। प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही कैंडिडेट्स को नाम की बजाय नंबर्स मिलते थे, फिफ्थ ब्रदर, सेवन सिस्टर, एट ब्रदर, इस तरह से। इंक्विजिटर्स ब्लैक एंड ग्रे आर्मर पहनते थे और इस आइकॉनिक डबल ब्लेडेड हेलीकॉप्टर लाइट सेबर को यूज करते थे। इस सारे प्रोग्राम को द ग्रैंड इंक्विजिटर लीड कर रहा था। ग्रैंड इंक्विजिटर पहले जेडाई टेंपल का गार्ड था।
जेडाई टेंपल बॉम्बिंग वाले इंसिडेंट के बाद इसने डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लिया और आगे चल के इंक्विजिटर इस प्रोग्राम का लीडर बना। ग्रैंड इंक्विजिटर को सीधा डार्थ वेडर से ऑर्डर मिलते थे। इंक्विजिटर्स को पहली बार हमने स्टार वॉर्स रिबेल्स शो में देखा था। डार्थ वेडर ने ग्रैंड इंक्विजिटर को जेडाई केनन जारस और उसके पैडवन एज्रा ब्रीजर को मारने का काम सौंपा था, बट उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। रिबेल्स और केनेबी शो दोनों के लिए स्पॉयलर्स हो जाएंगे। इंक्विजिटर्स 2019 में आए स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर वीडियो गेम का भी बड़ा हिस्सा थे। ये फोर्स सेंसिटिव लोगों को ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। इंक्विजिटर्स का नया हेडक्वार्टर्स फोर्टस इंक्विजिटोरियस नूरनामी मून पर मौजूद था। हेडक्वार्टर्स होने के साथ साथ ये टावर जेडाइस का टॉर्चर चैम्बर भी था। एम्पायर यहाँ पर जेडाइस को पकड़कर टॉर्चर किया करते थे। कुछ जेडाइस टॉर्चर सहकर मर जाते थे तो कुछ हार मानकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लेते थे। बट अगेन इस टावर की लोकेशन भी एकदम सीक्रेट रखी गई थी ताकि बाकी आवाम की नजर में एम्पायर की अच्छी इमेज बनी रहे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। ओबी-वैन केनोबी एपिसोड 1-2-3। कहानी की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से, जेडाई पर्ज वाला टाइम। कुछ यंगलिंग्स जेडाई टेंपल में अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे कि तभी उन पर क्लोन ट्रूपर्स ने हमला कर दिया। जेडाई मास्टर ने क्लोन ट्रूपर से लड़ने की बहुत कोशिश की, बट आखिरकार वो उन ट्रूपर्स के हाथों मारी गई। 10 साल बाद इंक्विजिटर्स एक भागे हुए जेडाई का पीछा करते हुए टैटूइन चले आए। ग्रैंड इंक्विजिटर फिफ्थ ब्रदर और थर्ड सिस्टर एके रीवा के साथ एक लोकल सलून में चला गया। इन्हें मिली खबर के मुताबिक वो जेडाई इसी सलून में छुपा हुआ था। किसी के कुछ न बताने पर थर्ड सिस्टर लोगों को टॉर्चर करने पर उतर आई। रिवा का ये एग्रेसिव एटीट्यूड ग्रैंड इंक्विजिटर और फिफ्थ ब्रदर दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो जेडाई वहां से भाग निकला। ग्रैंड इंक्विजिटर ने रिवा को कड़ी चेतावनी दी कि वो ओबी-वैन केनोबी को ढूंढने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। देख के लग रहा है कि इसकी केनोबी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी। स्टार्टिंग का वो जेडाई टेंपल वाला सीन याद है? हो सकता है कि रिवा उन्हीं यंगलिंग्स में से एक थी। केनोबी बाकी यंगलिंग्स को मरने के लिए छोड़कर बस लूक के साथ टैटूइन भाग गया। शायद इसीलिए रिवा उससे नफरत करती होगी। फिर हमने देखा कि केनोबी यहाँ फुल अंडरग्राउंड होकर एक आम वर्कर की जिंदगी जी रहा था। इसने अब जरूरतमंदों की मदद करने वाले जेडाई कोड को भी पीछे छोड़ दिया था। रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, मटन काटो, एक टुकड़ा अपने योबी को खिलाओ और सो जाओ। केनोबी का बस अब यही डेली रूटीन बन गया था। हर रोज की तरह केनोबी काम से वापस आकर अपने गुफा में आराम कर रहा था कि तभी वहां एक जावा आ गया। केनोबी ने इस जावा से यंग लूक स्काईवॉकर के लिए टॉय स्काईहॉपर खरीदा। उस रात केनोबी को एनेकिन स्काईवॉकर और अपनी पुराने जिंदगी के सपने आए। ये अभी तक अपने फेलियर को नहीं भुला पाया। अगली सुबह केनोबी लूक स्काईवॉकर पर नजर रखने चला गया, जो लार्ज के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। इंक्विजिटर से भागा हुआ वो जेडाई चुपके से केनोबी से मिलने चला आया। केनोबी ने नेरी को बताया कि जेडाइज का टाइम अब खत्म हो गया। ये अब जेडाई मास्टर ओबी-वैन केनोबी नहीं बल्कि एक आम इंसान बेन है। अच्छा होगा अगर नेरी भी अपनी लाइट सेबर को रेगिस्तान में गाड़कर जेडाई ऑर्डर को भूल जाए। फिर हमारी मुलाकात हुई यंग लेया और अगाना से, जो एलडेरान पर एक प्रिंसेस की जिंदगी जी रही थी। एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी लेया ड्रॉइड्स को निचली नजर से नहीं देखती और इसे अपने मम्मी की तरह ही एडवेंचर्स में काफी इंटरेस्ट है। उधर टैटूइन पर ओवेंस ने केनोबी को बताया कि वो लूक से जरा दूर ही रहे। लूक को यह स्टारशिप के खिलौने देकर बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो जहां है वहीं अच्छा है। केनोबी का लगातार इन पर नजर रखना लूक की जिंदगी खतरे में डाल सकता है, लेकिन केनोबी के हिसाब से एक ना एक दिन तो लूक को यह फार्मर की जिंदगी छोड़कर गैलेक्टिक फाइट का हिस्सा बनना है, तो अच्छा होगा कि केनोबी इसकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू करे। ये सुनते ही ओवेंस की सटक गई। वो समझ गया कि केनोबी को लूक के भले बुरे की कोई नहीं पड़ी, वो तो बस इतना जानना चाहता है कि लूक फोर्स से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओवेंस केनोबी को एनेकिन स्काईवॉकर वाली गलती फिर से दोहराने नहीं देगा, एटलीस्ट ये जिंदा है तब तक तो नहीं। तभी वहां पर रेवा और फिफ्थ ब्रदर आ गए। फिफ्थ ब्रदर इन्फॉर्मेशन के बदले लोगों को इनाम देना चाहता था, बट रेवा ने ऑफर बदल दिया। अगर इन्हें उस भागे हुए जेडाई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो रेवा ओवेंस और उसकी सारी फैमिली को मार देगी। केनोबी कोने में छुपा ये सब चुपचाप देख रहा था। रीवा का यह पागलपंती वाला बर्ताव देखकर फिफ्थ ब्रदर उसे वहां से खींच कर ले गया। ग्रैंड इंक्विजिटर बिल्कुल ठीक कहता है, ओबी-वैन केनोबी को ढूंढने के गुस्से ने रीवा का दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन रीवा को फिफ्थ ब्रदर और ग्रैंड इंक्विजिटर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्विजिटर के वहां से जाते ही केनोबी ने ओवेंस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ओवेंस ने इतना बड़ा रिस्क केनोबी के लिए नहीं बल्कि लूक के लिए लिया था। अल्जेरान पर चले एक फैमिली फंक्शन के दौरान लेया ने उसके कजिन की सारी हेकड़ी निकाल दी, इंडिकेटिंग कि लेया बचपन से ही थोड़ी फोर्स सेंसिटिव थी। लेया का यह एटीट्यूड देखकर बेल समझ गया कि यह आगे चल के वन ऑफ द बेस्ट सेनेटर बन सकती है।
लेकिन उससे पहले लिया को उसकी कजिन नियान उसे माफ़ी मांगनी होगी। फंक्शन में जाकर माफ़ी मांगने की बजाय लिया बाहर जंगल में चली गई, जहां कुछ किडनैपर्स ने लिया को पकड़ लिया। लिया के गायब होते ही सेनेटर ओरगाना ने फौरन ये खबर केनोबी को दे दी। वो चाहते हैं कि केनोबी लिया को ढूंढ कर लाए। पिछले 10 सालों में फोर्स से दूर होने की वजह से केनोबी अब बड़ा कमजोर हो गया है और वो लूक को अकेले छोड़कर टैटूइन से बाहर भी नहीं जा सकता। अच्छा होगा कि बेल और अगाना किसी बाउंटी हंटर को ये काम सौंप दे। अगले दिन काम से वापस आते ही केनोबी ने देखा कि इंक्विजिटर्स ने जेडाई नारी को ढूंढकर मार दिया और लोकल्स को वार्निंग देने उसकी बॉडी को चौराहे पर टांग दिया। केनोबी ये देखकर काफी दुखी था। गुफा में बेल केनोबी का इंतजार कर रहा था। बेल ने केनोबी को बताया कि लिया के किडनैपर्स एक फ्रेट ट्रांसपोर्ट में छुपकर डायू जा रहे हैं। इन्हें केनोबी के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं। लिया को सही सलामत घर लाने का काम बस केनोबी कर सकता है। बेल की ओर थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद आखिरकार केनोबी मान ही गया। उधर किडनैपर्स के शिप पर लिया अपने साथी ड्रॉइड लूला की मदद से रस्सी काटने की कोशिश में थी, बट एंड मोमेंट पर वहां किडनैपर्स का लीडर नोक्रू आ गया। फिर हमने देखा कि नोक्रू गैंग को यह किडनैपिंग का काम रीवा ने सौंपा था। रीवा को पूरा यकीन है कि केनोबी लिया को ढूंढते हुए उसके पीछे जरूर आएगा, क्योंकि क्लोन वॉर्स के वक्त केनोबी बेल का खास दोस्त बन गया था। वह रेवा बिल्कुल ठीक सोच रही थी। केनोबी ने टैटूइन रेगिस्तान में दफन लाइट सेबर को बाहर निकाला। इस डब्बे में एनेकिन की मॉडिफाइड लाइट सेबर भी थी, जो आगे चल के लूक यूज करेगा। फिर अपने आइकॉनिक लाइट सेबर लेकर केनोबी लिया को ढूंढने निकल पड़ा। केनोबी लिया के पीछे पीछे डायू चला आया, जहां उसकी मुलाकात एक होमलेस क्लोन ट्रूपर से हुई। जेडाई पर्च के बाद लगता है इनकी नैया भी डूब गई। एम्पायर अब महंगे क्लोन ट्रूपर्स की जगह यूजलेस स्टॉर्म ट्रूपर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। स्पाइस के नशे में इस क्लोन ट्रूपर ने केनोबी को नहीं पहचाना। केनोबी को अकेले भटकते देख एक स्पाइस ड्रग डीलर ने उसे स्पाइस बेचने की कोशिश की। केनोबी ने उसे बताया कि वो यहाँ पर अपनी किडनैप्ड बेटी को ढूंढने आया है। ये सुनते ही स्पाइस डीलर ने केनोबी को समझाया कि एक बार जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अच्छा होगा कि केनोबी स्पाइस का शॉट लगाकर अपनी बेटी को भूल जाए। इतना बोलकर उस लड़की ने केनोबी को थोड़ी स्पाइस थमा दी। केनोबी की बातें सुनकर पास खड़ा एक लड़का उसे आजा एस्ट्री के पास ले गया। अपेरेंटली आजा एक जेडाई है जो केनोबी की बेटी को ढूंढने में इसकी मदद कर सकता है। आजा के डबर पहुंचते केनोबी समझ गया कि ये एक फ्रॉड है जो मैग्नेट्स और रिमोट डिवाइसेस की मदद से मासूम लोगों के सामने जेडाई बनने का नाटक करता है। केनोबी ने फौरन ब्लास्टर दिखाकर आजा की पोल खोल दी। आजा ने केनोबी से वादा किया कि माना कि वो एक फेक जेडाई है, बस उसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आजा जरूरतमंद लोगों को ट्रिक दिखाकर उनसे पैसा जरूर कमाता है, बट अपनी सेटिंग लगाकर उनकी मदद भी करता है। आजा केनोबी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। ये केनोबी को लिया की लोकेशन तक पहुंचा देगा, बट वो उसके साथ अंदर नहीं जाने वाला। अंदर का एरिया बड़ा ही खतरनाक था। केनोबी आजा की बताई लीड को फॉलो करते हुए इस अंडरग्राउंड लैब में घुस गया। यहाँ के एक वर्कर को टॉर्चर करने के बाद उसने केनोबी को लिया की लोकेशन बता दी, बट केनोबी नहीं जानता था कि वो सीधा जाकर नोक्रू की बिछाए जाल में फंसने वाला है। नोक्रू के आदमियों ने केनोबी को बड़ी आसानी से चकमा देकर पकड़ लिया। रिवा बिल्कुल ठीक कहती थी, केनोबी जरूर लिया को ढूंढते हुए खुद इनके जाल में फंस जाएगा। नोक्रू ये देखकर काफी हैरान था कि लेजेंडरी जेडाई मास्टर ओबी-वैन केनोबी का भी आम इंसानों की तरह खून निकलता है। केनोबी ने मौका देखकर उस लड़की की दी स्पाइस को हवा में उड़ा दिया और मास्क पहनकर वहां से चला गया। केनोबी ने आखिरकार लिया को ढूंढ लिया और उसे बताया कि उसे बेल ओरगाना ने भेजा है। पहले तो लिया इसके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट बाद में वो किसी तरह मान गई। डायू पहुंचकर रीवा ने देखा कि नोक्रू की गैंग स्पाइस के नशे में थी और केनोबी लिया को लेकर वहां से भाग गया। लिया केनोबी की लाइट सेबर देखकर समझ गई कि वो एक जेडाई है। केनोबी ने इसे बताया कि इनके पास बहस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द स्पेसपोर्ट पहुंचकर डायू से बाहर निकलने की सवारी ढूंढनी होगी। कुछ देर बाद यहां पर ग्रैंड इंक्विजिटर, फिफ्थ ब्रदर और फोर्थ सिस्टर भी आ गया। ग्रैंड इंक्विजिटर ये देखकर काफी गुस्सा था कि रीवा ने केनोबी को पकड़ने के चक्कर में बिना किसी की परमिशन लिए सेनेटर की बेटी को किडनैप कर लिया। ग्रैंड इंक्विजिटर ने रीवा को फौरन सस्पेंड कर दिया और खुद केनोबी को ढूंढने चला गया, बट रीवा इतनी आसानी से कहां हार मानने वाली थी। इसने नोक्रू को कांटेक्ट करके सारे डायू में केनोबी की बाउंटी रिलीज कर दी। अपनी बाउंटी की खबर मिलते ही केनोबी ने लिया के साथ फटाफट भेज बदल लिया। केनोबी की बाउंटी को देखकर राजा भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। फोर्थ सिस्टर ने ग्रैंड इंक्विजिटर को बताया कि वो बाउंटी रीवा ने रिलीज की थी। लिया को केनोबी के जेडाई पावर्स का डेमो देखना था, बट केनोबी ने उसे समझाया कि ऐसा करने से उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। यहीं पर लिया ने केनोबी को उसके टूटे हुए ड्रॉइड लूला के बारे में बताया। आगे चल के केनोबी ये ड्रॉइड रिपेयर करके लिया को वापस कर देगा, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ बच्चों को खिलौने बेचने की निंजा टेक्निक है। एनीवेज
कुछ देर बाद ही उनके ऊपर एक लोकल बाउंटी हंटर ने हमला कर दिया। केनोबी ने उस बाउंटी हंटर को हरा दिया, बट उसकी बाउंटी देखकर लिया समझ गई कि किडनैपर्स ने शायद केनोबी को पकड़ने के लिए ही लिया को चारा बनाया था। इसे अब केनोबी की बातों पर भी जरा भी भरोसा नहीं, वो फौरन केनोबी को चकमा देकर मार्केट में भाग गई। तो अब सारे लोकल बाउंटी हंटर्स केनोबी के पीछे और केनोबी लिया के पीछे। केनोबी से भागते भागते लिया एक छत से नीचे गिर गई। केनोबी ने पूरी ताकत लगाकर थोड़ी सी फोर्स यूज करके लिया को बचा लिया। 10 साल तक फोर्स ना यूज करने की वजह से केनोबी का फोर्स के साथ कनेक्शन काफी कमजोर हो गया शायद। केनोबी को फोर्स यूज करता देख लिया समझ गई कि ये तो वाकई में एक जेडाई है। छत पर चली इस भगदड़ ने रीवा का ध्यान भी इनकी ओर खींच लिया। स्पेसपोर्ट पहुंचकर इन्होंने देखा कि इंक्विजिटर्स ने बाहर जाने वाले सारे ट्रांसपोर्ट कैंसिल कर दिए। स्पेसपोर्ट से वापस आते वक्त इनका सामना एक ड्रॉइड बाउंटी हंटर से हुआ, बट समय रहते आजा ने इन्हें बचा लिया। आजा ने केनोबी को बताया कि बिना किसी की नजर में आए यहां से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, इन्हें ट्रांसपोर्ट 8 पर जाकर फुली ऑटोमेटेड कार्गो शिप में छुपना होगा। वो कार्गो शिप इन्हें मापुजो लेकर जाएगी, जहां कुछ एलाइज केनोबी की भागने में मदद करेंगे। आजा ने केनोबी को उस एलाई से मिलने की एग्जैक्ट लोकेशन और कार्गो शिप एक्टिवेट करने की दे दी, लेकिन केनोबी को इसकी बातों पर अब भी भरोसा नहीं था, बट इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा है। आजा ने केनोबी और लिया के भागने तक बाउंटी हंटर्स और इन्क्विजिटर्स का ध्यान भटकाए रखा, लेकिन रीवा ने माइंड प्रोप टेक्निक के जरिए आजा का दिमाग पढ़कर केनोबी की लोकेशन जान ली। उधर ग्रैंड इन्क्विजिटर ने केनोबी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में नौकरू को मार दिया। लिया ने केनोबी को समझाया कि वो आजा पर भरोसा कर सकते हैं। लिया की जिद और बहादुरी को देखकर केनोबी को पैदमी की याद आई। इससे पहले कि ये दोनों यहां से निकल पाए, वहां रीवा आ गई। केनोबी ने लिया को कार्गो शटल में भेज दिया और खुद रीवा से लड़ने पीछे रुक गया। केनोबी को सामने लाने रीवा ने उसे बताया कि उसे यहां डार्थ वेडर ने भेजा है, जो पिछले 10 सालों से केनोबी को ढूंढ रहा था। डार्थ वेडर का नाम सुनते ही केनोबी को जबरदस्त धक्का लगा। इतने सालों से तो वो सोच रहा था कि एनेकिन स्काईवॉकर मर गया, लेकिन वो तो जिंदा है। तभी वहां ग्रैंड इंक्विजिटर आ गया। ये अब रीवा की मनमानी से तंग आ चुका था। केनोबी को तो ग्रैंड इंक्विजिटर ही पकड़ेगा। ये सुनते ही रीवा ने ग्रैंड इंक्विजिटर को लाइट सेबर से मार दिया। वेट व्हाट? आई मीन ये पक्का बच जाएगा। ये लोग ग्रैंड इंक्विजिटर को अभी मारकर लोर में चेंजेस नहीं करेंगे, राइट? इसी मौके का फायदा उठाकर केनोबी भी कार्गो शटल में घुस गया और उसे एक्टिवेट करके ले और केनोबी वहां से चले गए। शटल के अंदर केनोबी को फोर्स में डिस्टर्बेंस महसूस हुआ। दूसरी तरफ बैक्टर टैंक में बैठे डार्थ वेडर ने भी डिस्टर्बेंस को फील किया। बैक्टर टैंक से निकलकर डार्थ वेडर ने उसका आइकॉनिक जेट ब्लैक आर्मर पहन लिया। फिर रीवा ने उसे कॉन्टेक्ट करके बताया कि केनोबी जिंदा है। ढाई पर केनोबी को पकड़ने वाले मिशन के दौरान ग्रैंड इंक्विजिटर मारा गया। डार्थ वेडर को ग्रैंड इंक्विजिटर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने रीवा से वादा किया कि अगर उसने केनोबी को डार्थ वेडर के हवाले कर दिया तो ग्रैंड इंक्विजिटर की पोजीशन रीवा को मिल जाएगी, बट अगर रीवा इस मिशन में फेल हो गई तो वेडर पर्सनली रीवा को मार देगा। मापुजो पहुंचते ही केनोबी ने लिया को बताया कि वो यहां टॉल से आए फार्मर्स का भेस लेंगे। अब से केनोबी का नाम ओडिन और लिया का नाम लूमा, और लूमा उसकी बेटी है। फिर केनोबी और लिया आजा की बताई लोकेशन की ओर चले गए। रास्ते में केनोबी को एनेकिन स्काईवॉकर की विजन आए। रीवा ने फोर्टस इंक्विजिटोरियस जाकर सबको बताया कि डार्थ वेडर ने खुद रीवा को केनोबी हंटिंग मिशन का इंचार्ज बनाया है, यानी केनोबी के मिलने तक ये इंक्विजिटर्स की टेम्पररी लीडर होगी। फिर इंक्विजिटर्स ने रीवा के कहने पर केनोबी को ढूंढने प्रोब ड्रॉइड्स भेजे। उधर मापुजो पर केनोबी और लिया आजा की बताई लोकेशन पर पहुंचे, बट वहां पर किसी का कोई अता पता नहीं था। केनोबी को लगा कि शायद आजा ने इन्हें फंसा दिया। केनोबी के मना करने के बावजूद भी लिया ने फ्रिक नामी एक लोकल बंदे से लिफ्ट ले ली। फ्रिक इन दोनों अजनबी पैसेंजर को पास वाले स्पेसपोर्ट पहुंचाने तैयार हो गया। गाड़ी में चढ़ते वक्त केनोबी का ध्यान गया कि यह फ्रिक तो एम्पायर का कट्टर सपोर्टर है। रास्ते में फ्रिक ने कुछ लोकल स्टॉर्म ट्रूपर्स को भी लिफ्ट दे दी। स्टॉर्म ट्रूपर से बात करते वक्त केनोबी ने एक्सीडेंटली लूमा को लिया कहकर पुकारा, पर बाद में फटाक से ये बोलकर कवर कर लिया कि लिया लूमा की मरी हुई माँ का नाम है। लूमा की शक्ल उसे हमेशा लिया की याद दिलाती है। केनोबी का जुगाड़ काम कर गया और अपना स्टॉप आते ही स्टॉर्म ट्रूपर्स गाड़ी से उतर गए। केनोबी की बातों से लिया को लगा कि वो उसकी असली माँ को बड़े अच्छे से जानता होगा। इसने केनोबी से तो ये तक पूछ लिया कि क्या केनोबी लिया का असली बाप है, जिससे केनोबी ने फौरन इनकार कर लिया। लेकिन ये सुनकर स्टार वॉर्स फैन थेरीज बनाने वाले फुल एक्टिवेट हो गए होंगे। यहीं पर केनोबी उसकी फैमिली को भी याद करने लगा। इसे अपने पेरेंट्स और बेबी ब्रदर के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, क्योंकि बचपन से ही जेडाई ऑर्डर इसकी फैमिली थी। फ्रेक को शुरू से इन दोनों पर डाउट आ रहा था, तो वो उन्हें सीधा पास के इंपीरियल चेक पॉइंट ले गया।
फ्रेक्सिटिव मिलते ही स्टॉर्म ट्रूपर्स प्रोब ड्रॉइड बुलवाकर केनोबी को स्कैन करने लगे, बट तभी केनोबी ने ब्लास्टर निकालकर उस ड्रॉइड और सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को मार दिया। इससे पहले कि लेया और केनोबी वहां से भाग पाए, उधर एक और स्टॉर्म ट्रूपर्स की टुकड़ी आ गई। लकीली इस यूनिट की इंपीरियल ऑफिसर चाला जोरेथ केनोबी के साइड थी। चाला ने फौरन सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारकर केनोबी और लेया को बचा लिया। आजा ने इन्हें मापुजो इसी कॉन्टैक्ट से मिलने भेजा था। चाला केनोबी और लेया को पास के सेफ हाउस ले गई। यहाँ बने अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए चाला के साथ ही जेडाइज और फोर्स सेंसिटिव लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते थे। उस प्रोब ड्रॉइड ने तबाह होने से पहले सिग्नल भेजकर इंक्विजिटर्स को चेतावनी दे दी। केनोबी की लोकेशन मिलते ही फिफ्थ ब्रदर डार्थ वेडर से मिलने चला गया, ताकि रीवा की तरह ही वो भी वेडर से ब्राउनी पॉइंट्स ले सके। जब तक इन्हें कोई पायलट नहीं मिल जाता, केनोबी और लिया को छुप कर रहना होगा। चाला ने केनोबी को बताया कि किसी जमाने में जेडाई मास्टर क्विनलन वॉस भी इनके साथ यहाँ काम करता था। क्लोन वॉर्स एनिमेटेड शो के डाई हार्ड फैंस इस कैरेक्टर को बड़े अच्छे से जानते होंगे। रात होते ही तीनों ने स्पेसपोर्ट जाने की प्लानिंग शुरू कर दी कि तभी केनोबी को डार्थ वेडर का प्रेजेंस फील हुआ। बाहर डार्थ वेडर इंक्विजिटर्स और स्टॉर्म ट्रूपर्स के साथ केनोबी को ढूंढ रहा था। डार्थ वेडर निहायत ही बैडस अंदाज में मासूम लोगों की जाने लेने लगा, ताकि ये केनोबी को बाहर निकाल सके। केनोबी ने चाला को बताया कि वो लेया को लेकर सीधा अल्डरान पहुंचे, तब तक केनोबी वेडर का ध्यान भटकाए रखेगा। डार्थ वेडर केनोबी का पीछा करते करते इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। केनोबी को वेडर से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस वेडर का ध्यान भटकाए रखना था। केनोबी एनेकिन स्काईवॉकर का ये नया रूप देखकर काफी हैरान था। वेडर ने केनोबी को बताया कि उसका यह नया लुक केनोबी की ही देन है। केनोबी फिर से वहां से भाग गया। लेया के समझाने के बाद चाला केनोबी की मदद करने वापस चली गई। लेया अकेली शिप तक पहुंच सकती है। वेडर अब इस पकड़ा पकड़ी के खेल से तंग आ चुका था। उसने फौरन लाइट सेबर निकालकर केनोबी पर हमला कर दिया। केनोबी ने भी अपनी जान बचाने के खातिर लाइट सेबर जला ली, बट कोई फायदा नहीं था। डार्थ वेडर केनोबी पर भारी पड़ने लगा। वेडर ने पास पड़े फ्लेमेबल मटेरियल से जमीन पर आग लगा दी और फोर्स की मदद से केनोबी को उड़ाकर आग में झोंक दिया। वेडर ने केनोबी को बताया कि ये तो बस उसके दर्द की शुरुआत थी, असली दर्द तो अभी आना बाकी है। केनोबी को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वेडर ने आग बुझा दी और केनोबी को पकड़ने कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स भेज दिए। तभी ऊपर से चाला ने ब्लास्टर की मदद से फिर से जमीन पर आग लगा दी। चाला का ड्रॉइड नेट भी जख्मी केनोबी को उठाकर वहां से भाग गया। वेडर आग के उस साइड से चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा था। डार्थ वेडर अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उन्हें रोक सकता था, बट पता नहीं क्यों इसने उन्हें जाने दिया। मे बी ये केनोबी को सबक सिखाने कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। बाय द वे, चाला का ये ड्रॉइड नेट भी थोड़ा ज्यादा ही ह्यूमनॉइड लगा। इसका भी पक्का अगले एपिसोड में कोई बिग रिवील आने वाला है। रीवा लिया को ढूंढते हुए चाला के सीक्रेट टनल में पहुंच गई। लिया के स्पेसपोर्ट पहुंचने से पहले रीवा ने उस शिप के पायलट को मार दिया। पायलट की जगह रीवा को देखकर लिया फिर से उल्टा टनल के अंदर भाग गई। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। इस शो के स्टोरी लाइन से फिलहाल तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि केनोबी शो की सारी कहानी किसी पैरेलल रियलिटी में चली है। धड़ाधड़ इतने चेंजेस कर दिए लोर में। होपफुली फिनाले तक ये लोग हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। बीच बीच में केनोबी कॉइगोन के फोर्स घोस्ट से भी बात करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसका पे ऑफ भी फिनाले तक मिल जाए। तब तक इस शो को जज नहीं कर सकते। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।